फाइनली भाई पहुंच गया हूँ, रात के 9 बज रहे हैं और पहुंच गया हूँ मैं रामेश्वरम। ये देखिए अभी तो फिलहाल रुकने के लिए कुछ देखते हैं। भाई रामेश्वरम तो पहुंच गया, सामने देखिए मंदिर, ये पेड़ के पीछे आपको दिख रहा है। और ये मेरी साइकिल, सुबह से मैं लॉकर रूम ढूंढ रहा हूँ सामान रखने, साइकिल रखने के लिए। चारों ओर मंदिर के चारों ओर चार बार चक्कर लगा लिया हूँ, ना कोई सामान रखने का हाँ बोल रहा, ना कोई साइकिल रखने का हाँ बोल रहा, और ना कोई रुकने दे रहा। सिंगल पर्सन को कोई रोकने को भी तैयार नहीं। सारे धर्मशाला, सारे जितने भी ट्रस्ट वगैरह सब पता कर लिया, आश्रम वगैरह कोई में भी नहीं बोल रहा है, बोले सिंगल आदमी को हम नहीं रुकने देते। थाने में गया था, थाने में बोले कि वहाँ से लिखवा के लाओ, थाने वाले ने भी मना कर दिया, बोले हम नहीं देते लिख के। अब समझ में नहीं आ रहा कि सामान कहाँ रखूँ। मुझे स्नान नहाने के लिए भी जाना है, जो कुंड में स्नान करते, अभी दिमाग काम नहीं कर रहा, क्या करूँ। क्या करूँ यार, समझ नहीं आ रहा है। कुछ तो लोग बात भी नहीं करते, कुछ हम बात करो तो अलग ही, जाओ 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 आगे जाओ, देखता हूँ, नहीं तो साइकिल को ऐसे खुली छोड़ के दर्शन करने जाना पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं। और थोड़ा मैं घूम के देख लेता हूँ, होता है कुछ तो ठीक है, चलो अभी और कुछ देख लेते। कुछ भी नहीं मिला यार, ये देखिए यहाँ पे मैं साइकिल लगा दिया हूँ, पूरा ओपन है। और ये ऑफिस है मंदिर का, ट्रस्ट ऑफिस है, इनसे भी बात किया तो बोले कोई रिस्क हम लेंगे नहीं, कोई गारंटी नहीं, आपको रखना आप रख दो। क्या करूँ, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। चलो अब थोड़ा मैं नहाने जाता हूँ। 22 कुंड है, 22 कुंड में नहा के, पहले समंदर में नहाते, फिर 22 कुंड में नहा के, फिर गंगा जल जो मैं गंगोत्री से लेके आया हूँ, फिर गंगा जल चढ़ाने अंदर जाएंगे। तो चलो आगे चलते। ये देखिए मैं आ गया हूँ समंदर पे, मंदिर के पूर्वी द्वार के सामने है ये। और इधर से समंदर में पहले स्नान करके फिर मंदिर की तरफ जाते हैं, और मंदिर में 22 कुंड बने हुए हैं, तो उधर में थोड़ा थोड़ा पानी मारते हैं और उधर से फिर जाके दर्शन करना पड़ता है। चलो अभी समंदर में स्नान करके फिर बढ़ते आगे। बाकी ये देखिए पूरा समंदर, समंदर में तो स्नान हो गया, अभी चलते कुंड की तरफ। बहुत खारा पानी है, बहुत ज़्यादा। यहाँ से देखिए ये सामने समंदर, और इसी के सामने ये जो गलियारा आया सीधा, इधर से सीधा ये मंदिर के गेट पे जाएगा। थोड़ा आपको भी दिखा दूँ, क्योंकि काफ़ी लोग फर्स्ट टाइम आते हैं और अगर उनको पता नहीं है तो ऑटो वाले जो है यार बहुत मुर्गा बनाते हैं, इसलिए मैं थोड़ा आपको दिखा दूं कि ये देखिए जो गेट के सामने से सीधा समंदर के लिए रास्ता आता है, कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं। बस पास ही में है ये जो सामने दिख रहा है मंदिर, और इधर में समंदर, ये जो ऊपर में दिख रहे है। ये रहा मंदिर जहाँ से अंदर एंटर करना है, पहले गंगा जल ले लेते और फिर चलेंगे अंदर। तो ये देखिए भाई गंगोत्री से जो गंगा जल लिए थे वो भी मैंने ले लिया, और अभी चलते, भीड़ तो अभी काफ़ी कम लग रहा है। अच्छा है, कम से कम दर्शन तो आराम से हो जाएंगे, ज़्यादा भगदड़ नहीं मचेगी। तो ये है दोस्तों रामेश्वरम मंदिर का उत्तरी द्वार। वैसे लोग आते हैं तो ये, क्योंकि चारों तरफ गेट है तो ज़्यादा लोगों को जानकारी नहीं होता है। वैसे उत्तरी द्वार से एंटर करने पे 22 कुंड जो है उसमें स्नान करके फिर अंदर जाते हैं। सबसे पहले समंदर में, सामने समंदर है, इधर से जाते हैं तो उधर से स्नान करके आओ, और यहाँ से उत्तरी द्वार से अंदर जाओगे तो 22 कुंड में स्नान करके। और ये देखिए गेट पे भीड़ लगी हुई है लोगों की, क्योंकि 12 से 3 तक गेट बंद हो जाता है, तो अभी 3 बज गया है गेट खुलने वाला, इसलिए लोग भीड़ लगा के खड़े। और ये देखिए ये है पूर्वी द्वार,
ये उत्तरी द्वार, सामने वो दिख रहा छोटा वो दक्षिणी द्वार, और ये इधर पीछे में पश्चिमी द्वार है। 22 कुंडों के स्नान के लिए 25 रुपये का टोकन लेना होता है। और यहाँ पर देखिए कितनी बाल्टियाँ रखी हुई है यार, ये देखो। और जो 25 रुपये का टोकन है वो उनको सैलरी के रूप में जो है वो जाता है हमारा पैसा, क्योंकि कुंड से पानी निकाल के थोड़ा थोड़ा सबके ऊपर डालते हैं लोग यहाँ पर, तो उनको सैलरी देनी होती है, तो उसका पैसा है ये। जितना लेट आओगे उतना आसानी से इधर दर्शन होते हैं, देखो कोई भी नहीं है, एकदम फ्री। सुबह में इतना भीड़ हो जाता है यार, लोग एक दूसरे में धक्का मुक्की करके चलते, मैं अभी अकेला चल रहा हूँ, हालांकि सामने तो काफ़ी भीड़ है जो गेट में दिख रहे थे वो लोग, पर अभी इतना बहुत है यार इतना। तो सुबह में तो लोग भाई जल्दी करो जल्दी करो, 4 बजे से लाइन में लग जाते हैं। ठीक है यार, भगवान अपनी जगह पे ही है, आराम से चलो। ये देखिए कुंड, इस मंदिर परिसर के अंदर ही जो है सारे कुंड बने हुए हैं, और अलग अलग कुंड का वीडियो तो नहीं ले सकता यार, वो पानी डालते रहते हैं उसमें, कहाँ कैमरा निकालेंगे पानी, तो इसलिए अभी ये देखिए कुंड यहीं यहीं पे घूमते हैं आप, आसपास में घुमा घुमा के जो कुंड सारे बने हुए, बस आप जाके खड़े हो जाइए, वहाँ पर एक बंदा रहेगा खड़ा, वो पानी निकालेगा बाल्टी से और आपके ऊपर डाल देगा, थोड़ा थोड़ा डालते। तो भाई फाइनली समंदर में स्नान हो गया और 22 कुंड का भी स्नान हो गया, और यहाँ देखिए श्री रामेश्वरम मंदिर, प्रभु भोलेनाथ के दर्शन के लिए मैं अभी आ गया हूँ, और देखते हैं कहाँ तक मैं आपको कैमरा ले जा सकता हूँ और कहाँ तक आपको दिखा पाता हूँ। और ये है पूरा रामेश्वरम मंदिर का व्यू, और काफ़ी बड़ा मंदिर है यार, बहुत ही बड़ा मंदिर है ये, और इसको तो पूरा घूमने में अंदर भटक जाएंगे यार, ये तो कितना बड़ा मंदिर है। और वैसे भी जो नए लोग आते हैं वो तो भटक ही जाते हैं, उनको मतलब गेट पता करने में बहुत परेशानी होती है, कौन से द्वार से जाना है, और एक तो समझ में नहीं आता कि कौन सा उत्तरी द्वार है कौन सा दक्षिणी द्वार है। और ये देखिए लाइन, काफ़ी लोग अभी कम है, भीड़ नहीं तो सुबह में तो यार इतनी भीड़ रहती है कि बहुत ही ज़्यादा। और ये हर हर महादेव, ये है प्रभु श्री रामेश्वरम जी के दर्शन, इतने आराम से भाई मैं दर्शन कर पाऊँगा और आपको भी दर्शन करा पाऊँगा, मैंने कभी सोचा नहीं था देखे। और वैसे तो मैंने परमिशन लिया कैमरे के लिए, यहाँ कैमरा अलाउ है नहीं, तो सामने जो गार्ड थे उनसे मैं बात किया तो बोले आप ऑफिस पे जाइए, कुछ वहाँ पे फीस देनी पड़ेगी और आप कैमरा ले जाइए। तो भाई श्री रामेश्वरम जी के दर्शन करने के बाद अब पर्वत वंदिनी देवी जो है, इसी मंदिर परिसर में ये एक और मंदिर है जो महादेवी का मंदिर है, माता पर्वत वंदिनी अम्मन देवी, ये शक्तिपीठ भी है। कुछ लोगों को जानकारी नहीं है तो वो यहाँ पर नहीं आ पाते, लेकिन मैं कहूँगा कि यार आप आए हो तो ज़रूर यहाँ दर्शन भी करिए तेर देवी माँ के, क्योंकि ये एक शक्तिपीठ भी है। और अभी दर्शन करके मैं बाहर निकल रहा हूँ, और ये मंदिर देखिए क्या ज़बरदस्त मंदिर है भाई, ऐसा लग रहा है जैसा वो रामायण सीरियल में दिखाते ना उस टाइप से। और मेरी साइकिल से 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम की यात्रा में से आज मेरा 4 धाम की यात्रा पूरी हुई, और 8 ज्योतिर्लिंग मेरे कंप्लीट हो गए। अभी मैं यहाँ से निकलूँगा महाराष्ट्र के लिए, और मुझे नहीं लगता ज़्यादा कुछ मुझे बताने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि रामायण सभी ने देखी है और मंदिर का इतिहास जो है सभी को पता होगा, जो मंदिर का जो रहस्य है। लेकिन फिर भी मैं कुछ थोड़ा बता दूं कि जब भगवान श्री राम रावण का वध करके जब वापस आ रहे थे, तो तब जो है सभी लोगों को पता चला, ऋषि मुनियों को, तो सभी ऋषि मुनि यहाँ पर उनका इंतज़ार कर रहे थे स्वागत के लिए। जब भगवान श्री राम यहाँ वापस आए तब ऋषि मुनियों ने कहा कि हे प्रभु, आपने रावण का वध तो कर दिया, लेकिन आपको जो ब्रह्म हत्या का पाप जो लगा है आपको उसे उसका निवारण करना पड़ेगा। तो इसके लिए भगवान राम ने उनसे पूछा, आग्रह किया कि हे ऋषिवर, आप ही हमें बताइए कि मेरी ब्रह्म हत्या के पाप को मैं कैसे दूर करूं। तो उन्होंने कहा कि आप यहाँ पर निरंतर शिव जी की पूजा करिए और शिव जी का यहाँ पर ध्यान करिए, तो आपका जो पाप है, जो ब्रह्म हत्या का पाप जो रावण का उन्होंने वध किया था, तो उससे आपको यहाँ पर मुक्ति मिलेगी। तो प्रभु श्री राम ने यहाँ पर अपने हाथों से रेत का जो है शिवलिंग बनाया था,
वही शिवलिंग यहाँ पर आज भी जो है, एक ज्योतिर्लिंग जो 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग भी है, और भारत के प्रमुख चार धामों में से एक चार धाम भी ये माना जाता है। इस मंदिर के बारे में और ज़्यादा जानकारी अगर आपको चाहिए तो मुझे कमेंट में लिखें, मैं इसका पूरा फुल वीडियो अलग से एक लाऊँगा। तो ये था दोस्तों श्री रामेश्वर मंदिर का पूरा रहस्य, और मेरी साइकिल से 12 ज्योतिर्लिंग चार धाम की यात्रा कंटिन्यू जा रही है। और मेरी यात्रा से जुड़ी कोई भी अपडेट पाने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल द हिंदुस्तानी ट्रेकर को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ऑल के बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और अब मैं यहाँ से निकलूँगा धनुषकोटी के लिए। धनुषकोटी का वीडियो मेरे आने वाले ब्लॉग में मिलेगा। धनुषकोटी वह जगह है जहाँ से विभीषण के कहने पर भगवान श्री राम ने तीर चलाकर राम सेतु को तोड़ दिया था, और उसके अवशेष अभी भी वहाँ पर है। तो चलो वहाँ चलेंगे, तो फिर मिलेंगे नए ब्लॉग में। जब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, जय श्री महाकाल।